लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद जीत हार को लेकर हर जगह मंथन का दौर चल रहा है। हर कोई हैरान है कि आखिर अयोध्या जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों शिकस्त मिली है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार आने के बाद से अयोध्या में विकास की गंगा बहने लगी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में जैसे ही फैसला दिया वैसे ही अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होकर दिव्य दर्शन भी देने लगे। मंदिर निर्माण के साथ पूरी अयोध्या का कायाकल्प भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कर डाला। और फिर ये भी उम्मीद की जाने लगी कि जो राम को लाए हैं राम उनको प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाएंगे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उसी अयोध्या में राम को लाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब सभी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अयोध्या में इतना विकास होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में, मैं हूं मीनू वर्मा। तो आइए आज इस वीडियो में सबसे पहले हम अयोध्या के उस विकास पर बात करते हैं जिसके दम पर जीत के दावे तो किए गए लेकिन जीत नहीं मिली। सबसे पहले आप अयोध्या के लोगों को सुनिए कि अयोध्या के विकास पर अयोध्या वासियों का क्या कहना है। निषाद समाज नहीं था, गुप्तार घाट नहीं था, था कि नहीं था? था ना, तो उसके पहले हम लोग यहाँ नहीं अपना जीवन जीते थे। जो मेरा था चला गया, अब सरकार में है, किराए पे है, जब चाहेगी सरकार निकाल देगी। कौन तब रहा तब अनाज बाय, तब तो सीताराम का भनक काने में जात रहा, अब तो वो नहीं जात। 22,000 करोड़ का विकास 5 साल में ललू जी ने करवा दिया, क्या लाभ मिला? लोगों की जो जमीने गई यहाँ आवासीय मकान, उनका मुआवजा सही नहीं मिला। अब पुनर्वास के लिए हम लोगों को जमीन दी गई, कोई कागज पत्तर नहीं मिल रहा। और कुछ हो, हाँ, नाराजगी पूरे जिले में है, पूरा टूर फूट सब मचा हुआ है। करने का कुछ तो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ लल्लू खड़े हैं, हाँ, अब दो बार की विधायक रह चुके थे पहले, हाँ, सांसद हो गए, आदमी को जलन होने लगी। ये पदाधिकारी मंत्री जी ने पदाधिकारी थोड़ा गलत चुन लिया, किसी और को चुनते तो यहाँ निकल जाते। अरे ही विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, हारे हुए विधायक, इन सब लोगों ने मिल करके माननीय सांसद लल्लू सिंह को हराया, खुला विरोध किया जितना कर पाए। हार गई, विपक्ष वाले अपनी गलत बात को सही साबित कर ले गए कि संविधान बदल देंगे, आप वोट डालने का अधिकार खत्म कर देंगे, और ये अपनी सही बात को नहीं साबित कर पाए, वो इनकी गलत बात को साबित कर ले गए विपक्ष वाले। मेन कारण तो यही था, हार का कारण उनकी गलती है। हार का कारण है कि जो हमारे निषाद समाज है यहाँ से पीड़ित थे सबके, यहाँ दुकान बना हुआ था, अयोध्या वासी से परेशान थे, उसके बाद में हम लोग गए कि हम लोग को दुकान दिया जाए, तो लल्लू सिंह बताए कि हमेशा राज बदलता है, आज अभी तुम लोग कमाए हो कोई और कमाएगा, जितने गुजरात के आ रहे हैं काम उनको मिल रहा है, अयोध्या वासियों के कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जो यहाँ अयोध्या वासी हैं, निषाद समाज नाव चलाता था, वहाँ लाके नाव डाल दिए हैं। राम मंदिर से पहले यहाँ, अरे निषाद समाज नहीं था, गुप्तार घाट नहीं था, था कि नहीं था? था ना, तो उसके पहले हम लोग यहाँ नहीं अपना जीवन जीते थे। जैसा कि आपने सुना, अयोध्या वासियों का कहना है कि मार्ग चौड़ीकरण के दरमियान तोड़फोड़ मुख्य मुद्दा रहा इस हार का। इसके साथ ही व्यापारियों ने ये भी कहा कि सबसे प्रमुख वजह भाजपा प्रत्याशी यानी लल्लू सिंह के व्यवहार से भी व्यापारी असंतुष्ट हैं। आए दिन होने वाले वीआईपी मूवमेंट्स के दरमियान की जाने वाली प्रशासनिक बंदिशों को भी वजह माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अयोध्या धाम के अलावा अयोध्या जनपद में कहा जा रहा है कि कहीं भी विकास देखने को नहीं मिलता है। आपको बता दें कि अयोध्या ग्रामीण अंचल विकास से अछूता रह गया। ये तो थी अयोध्या में विकास की बात, लेकिन इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि 35,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ने तो मतदान किया ही नहीं, जो कि एक प्रमुख वजह है। हालांकि आम जनमानस में दबे मन में इस बात को भी मान रहे हैं कि अयोध्या में जहां प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतती है, वहीं इस बार
कम मतदान हुआ है। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में दो बार के सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के सपा के अवधेश प्रसाद ने 54,567 मतों से हरा दिया है। इन सीटों से जीतने वाले कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन, गलत बयान, महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण पर हमला ही उनकी जीत की बड़ी वजह रही। यानी उन्होंने अपनी जीत के बारे में खुद की वजह नहीं बताकर भारतीय जनता पार्टी के हार की वजह बताई है। इसके अलावा अयोध्या को उजाड़ना और गरीबों की जमीनों पर औने पौने दाम पर ले लेना भी भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह रही। साथ ही किसानों की बदहाली भी भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण बताया जा रहा है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अयोध्या वासियों के लिए भी यह चुनावी परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला था। अयोध्या कमिश्नरी, जिसमें प्रमुख रूप से अमेठी, बाराबंकी और अंबेडकर नगर शामिल है, मंडल की सभी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है और ये अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका कर रख देने वाली खबर है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।